फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ। ये मेरी है हिबिकस की कटिंग और ये है मेरी बोगनविलिया की कटिंग। तो वेदर जो है बहुत बेकार सा हो गया है। दिल्ली में तो भयंकर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ देखिए, रोज़ की प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज एक छोटा सा अपडेट मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ तुलसी माता देखिए, और यहाँ पर देखिए मेरे। इस बार गार्डन में मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया क्योंकि इस बार विंटर बहुत ज़्यादा तेज़ वाला पड़ा है नॉर्थ इंडिया में, और विंटर ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस ऐसा है जहाँ पर इतनी तेज़ सर्दी कभी नहीं पड़ी। तो जी, इस बार मेरे गार्डन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे फ्रूट जो हैं बहुत जल्दी हम सबको मिलने वाले हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ये रसबरी के प्लांट बहुत सारे हैं। हस्बैंड जब भी ऊपर आते हैं कहते हैं कि तुम्हारे लिए जंगल तैयार हो रहा है तुम्हारी रसभरी का। तो रसभरी ऐसी होती है, देख लो जी, ठीक है। और हमारा ये लाल टेन हिबिकस का एक छोटू सा बर्ड यहाँ पर है, आपको दिख रहा हो तो, ये देखो, ठीक है जी। ये इसके बहुत सारे प्लांट जो हैं नीचे से ही निकल रहे हैं, इनकी मैं कटिंग ग्रो कर लूँगी। तो जो मेरे बल्ब वाले प्लांट थे उनकी कंडीशन बहुत बुरी है क्योंकि लगातार दो दिन की हैवी रेन हुई है हमारे एरिया में। आप देख सकते हो किसी भी प्लांट में पानी जो है आपको सूखा हुआ नहीं दिखेगा। ये देखो बिल्कुल भरा पड़ा है अच्छी तरीके से। तो एक छोटा सा अपडेट आप सबको दिखा देती हूँ। रसभरी के ही ये भी प्लांट है, देखो बहुत सारे। इस बार मतलब मैंने ग्रो नहीं किए हैं तब भी बहुत सारे प्लांट अपने आप ही निकल आए हैं। और इस एरिया में दिखाती हूँ, यहाँ पर भी रसभरी के ये ही प्लांट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। छोटा सा अपडेट देख लीजिए जी, हमारा पपाया का प्लांट, हिबिकस का प्लांट ठीक चल रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बारिश के बाद ना प्लांट अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और ये वाली ब्रांच बहुत ऊपर जा रही है, आपको यहाँ पर बर्ड दिख रही होगी, हिबिकस की बर्ड है। ये देखो पेट्स अटैक भी हो रहा है। अब मैं इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दूँगी। जितनी ब्रांच है सभी जगह इस पर बर्ड बनी हुई है। तो ये वाला हिबिकस का प्लांट बहुत अच्छा है। और अमरूद का प्लांट दिखाती हूँ, देखो ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी, ऊपर से भी और नीचे से बहुत सारी ग्रोथ यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो नीचे से ग्रोथ हो रही है इसमें। अब इस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, देखते हैं 10-12 दिन के बाद इसकी कटाई छटाई करेंगे। और यहाँ पर देखो जी, मूली के प्लांट है ये, ठीक है। ज़्यादा बारिश की वजह से थोड़े लटक पटक सी गए हैं और ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं, ठीक है। और ये भी मूली के प्लांट है, देखो दिखाती हूँ मैं। सीड जो मैंने डाले थे कुछ तो चल रहे हैं, कुछ बस लटक गए हैं। कोई बात नहीं, देखो जितना है ठीक है, बाकी अब आगे मेहनत करेंगे और उसके बाद आप सबके साथ वीडियोस जो है लगातार शेयर करेंगे। अभी मेरे गार्डन में जो हाल है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही बच जाऊँ विंटर से, सर्दी से। मेरे घर वाले सब कहते हैं पहले ठीक हो जाओ उसके बाद छत पर जाना, कुछ नहीं करना, रहने दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए जंगल बहुत सारा, रसभरी बहुत मिलने वाली है इस बार। ये देखो एक छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया था और इसकी रिपोर्टिंग मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार मेरे चैनल पर जाकर विजिट करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी देखो अपने आप ही ग्रो हो रहा है, मैंने नहीं लगाया है, ये मैंने लगाया था इसमें। ये देखिए ये वाला प्लांट, रसभरी का प्लांट, आज का मुद्दा रसभरी है, ठीक है। ये देखो जी रसभरी रसभरी, इसमें से सीड नहीं है मेरे पास और ना ही मैंने इनको लगाया, अपने आप ही ग्रो हो गए हैं सारे के सारे रसभरी। और जी इस बार रोज़ की कंडीशन भी बहुत ख़राब है। जब मेरी ही कंडीशन ख़राब है तो मेरी रोज़ की कंडीशन भी ख़राब ही होगी, फिर भी चल रहे हैं मस्त मौला होकर। टोमेटोज़ खाने हैं तो खा लो, ये देखो, ठीक है। और बहुत जल्दी ये ना रेड होने लगेंगे। एक टोमेटो का प्लांट मैं दिखाती हूँ, ये अपने आप ग्रो हुआ है, ये देखो। आशा करती हूँ आप सब मेरी कंडीशन समझेंगे किस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। विंटर बहुत ज़्यादा है, बीमार होकर मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप को सर्दी से बचाऊँ। तो ये भी देखिए यहाँ पर, ये भी रसभरी का ही जंगल है इस वाले पॉट में। और ये देखिए हमारे क्रिसैंथेमम के प्लांट, वंडरफुल, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। किस किस को अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। दो दिन की लगातार बारिश झेलने के बाद भी मेरे प्यारे से क्रिसैंथेमम खड़े हैं। मुझे इसी कलर के चाहिए थे क्योंकि मेरे पास लाइट पिंक कलर के थे, वाइट कलर के थे, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि काश मेरे पास रेड कलर के या मरून कलर के मेरे पास क्रिसैंथेमम आ जाए। तो इस बार मेरी इच्छा भी पूरी हो गई है। लास्ट ईयर बहुत कुछ किया हमने, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ मैं जो चाहती थी वो सब मैंने किया। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो मैंने क्या क्या पाया, क्या क्या किया,
तो प्लीज़ कमेंट करना, कुछ बातें करेंगे मिलजुल कर बैठ कर, और अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी और आप भी अपनी दो चार बातें मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर एक छोटा सा बस अपडेट वीडियो आप सबके लिए शूट किया है। सूरज देवता आप देख सकते हो, दिख रहा होगा कि कितने हल्के फुल्के से हैं। बस इसी को देख के मैं ऊपर आ गई थी कि चलो थोड़ा सा सूरज देवता को नमस्कार कर आएंगे और ज़रा सी धूप भी अपने सर पर ले लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।